हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल फेशियल किट, बेस्ट फेशियल फॉर ब्राइडल। फ्रेंड्स, मेरा ये फेशियल का वीडियो देखकर घर पर भी आप आसानी से फेशियल कर सकते हो। ये O3 प्लस प्रोफेशनल ब्राइडल किट है जो ब्राइडल के लिए बेस्ट फेशियल किट है। अगर आप ब्राइडल नहीं हो तो भी आप ये फेशियल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो ब्राइडल है वही ये फेशियल कर सकते हैं, और इस फेशियल का रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। ये फेशियल किट आपको पाउच में मिलती है, पाउच में इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी मिलती है जिसे पढ़कर आप घर पर भी आसानी से फेशियल कर सकते हो। O3 प्लस की इस ब्राइडल फेशियल किट में टोटल 10 स्टेप है। इस फेशियल को करना कैसे है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताती रहूंगी। ये फेशियल आप खुद भी अपने फेस पर कर सकते हो। मैंने ये फेशियल अपने क्लाइंट पर किया है जो रियल ब्राइडल है। ये फेशियल आपको समय निकाल कर ही करना है क्योंकि इस फेशियल में 10 स्टेप है और इसे करने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय भी लग सकता है। इस फेशियल से जो ग्लो आता है वो कम से कम 2 महीने तक रहता है। ये सिंगल यूज किट है, यानी इसे आप एक बार ही यूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। बात करें प्राइस की तो इसकी प्राइस है 830 रुपीज, यानी 830 रुपए। इंस्ट्रक्शन बुकलेट में आप देख सकते हो कि इसमें पूरी डिटेल से फेशियल कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का पहला स्टेप है व्हाइटनिंग क्लिंजिंग फॉर्म। थोड़ी सी फिंगर्स में लेके फेस पर अप्लाई करें। क्लिंजिंग फॉर्म आप अपनी फिंगर से हल्के हाथों से मसाज करिए, और अगर आप चाहो तो इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हो, और आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। क्लिंजिंग मसाज आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। मसाज आपको अपनी फिंगर्स से सर्कुलर मोशन में करना है। फेस के साथ साथ गर्दन पर भी मसाज करें। नोज पे मसाज करके फिर फोरहेड पर मसाज करना है। आपको आईज के आसपास ज़्यादा मसाज नहीं करना है क्योंकि अगर आँखों में क्लिंजिंग चला गया तो आँख में जलन हो सकती है। नोज एंड चीक पे आपको फिंगर से 8 बनाकर मसाज करनी है। जो लाइन पे प्रेशर देते हुए मसाज करनी है। याद रखें, मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है। मसाज आप अच्छे से कीजिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर आप उसी तरह से मसाज करोगे तो आपके फेशियल का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। 2-3 मिनट मसाज कंप्लीट हो जाने के बाद टिश्यू से फेस को क्लीन कर लीजिए। फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट में दूसरा स्टेप है डिटेन पैक। डिटेन पैक आप चाहो तो बाउल में भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। मैं तो अपने फिंगर से ही अपने क्लाइंट पर डिटेन पैक अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो आप डिटेन पैक में टोनर मिक्स कर सकते हो, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिटेन पैक थोड़ा ठीक लगे तो आप उसमें टोनर ऐड कर सकते हो। डिटेन क्या काम करता है तो डिटेन आपकी स्किन को गहराई से क्लीन करने में हेल्प करता है। जैसे कि ब्लीच जो काम करता है वही काम डिटेन भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लीच आपके स्किन पर जो हेयर है, फेशियल हेयर, उसे वो गोल्डन कलर में कन्वर्ट करता है, और डिटेन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी ब्लीच और डिटेन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक जैसा ही मिलता है। डिटेन स्किन में से टैनिंग को दूर करके स्किन को लाइटनिंग एंड वाइटनिंग करने में हेल्प करता है। जिसको ब्लीच बिल्कुल भी सूट नहीं करता है वो डिटेन पैक यूज़ कर सकते हैं। डिटेन पैक को फेस पर अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद हल्का सा मसाज करके डिटेन पैक को रिमूव कर दीजिए और फेस को अच्छे से क्लीन करें। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का तीसरा स्टेप है टोनर, यानी वाइटनिंग टोनिंग। ये टोनर आपको हल्के हाथों से फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके अप्लाई करना है। ये वाइटनिंग टोनर है। इस टोनर को आपको जब तक पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक चेहरे पे डैप डैप करिए। ये टोनर आपके स्किन के पीएच लेवल को बनाए रखता है। टोनर को स्किन में एब्जॉर्ब होने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, और ये टोनर स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है। साथ में फिंगर से हल्के हाथों से मसाज भी करिए ताकि टोनर स्किन में अंदर चला जाए। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का चौथा स्टेप है वाइटनिंग मसाज क्रीम। पूरे फेशियल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। मसाज क्रीम के जो स्टेप होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मेरा ये वीडियो देखकर आप अच्छे से मसाज करिए। मसाज क्रीम से मसाज आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। सबसे पहले मसाज क्रीम को फेस पर अप्लाई करना है। मसाज क्रीम सबसे पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, पूरे फेस पर मसाज क्रीम अप्लाई कर दीजिए। जो लाइन पे प्रेशर देते हुए मसाज करना है। फिर आपको फेस को मसाज करना है। ये स्टेप आपको फिंगर की हेल्प से करना है। नोज एंड चीक पे आपको फिंगर से 8 बनाकर मसाज करना है। एक बात का ध्यान रखें, मसाज आपको हल्के हाथों से ही करना है। आँखों के आसपास आपको ज़्यादा मसाज नहीं करना है।
आँखों के आसपास फिंगर की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। आईब्रोज पे भी आपको पिंचिंग मसाज करना है जिससे आपके क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। मसाज के सभी स्टेप आप मेरा वीडियो देखकर भी आसानी से कर सकते हो। इस फेशियल में आपको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना पानी के इस्तेमाल किए भी बहुत ही अच्छा मसाज हो रहा है। जो स्टेप हमने मसाज क्रीम अप्लाई करते वक्त किए हैं वही स्टेप हमको दूसरी बार फिर से करना है। अब आपको लिफ्टिंग करनी है। लिफ्टिंग आपको चेहरे के नीचे से शुरू करके ऊपर तक लिफ्टिंग करनी है। लिफ्टिंग करने के बाद फेस को टिश्यू से क्लीन कर लीजिए। फिर अगर आपके क्लाइंट के फेस पर स्टीमिंग देनी है तो वो दे दीजिए। अगर वाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी रिमूव कर सकते हो आप। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का 5वां स्टेप है वाइटनिंग सीरम। वाइटनिंग सीरम थोड़ा सा थिक होता है और सीरम से फेस पर कम से कम 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मसाज आपको हल्के हाथों से करना है। जो स्टेप हमने मसाज क्रीम अप्लाई करते वक्त किए थे वही स्टेप आपको 5 मिनट तक सीरम अप्लाई करते वक्त करना है। वाइटनिंग सीरम की मसाज कंप्लीट हो जाने के बाद सीरम को आपको रिमूव नहीं करना है। इसके ऊपर ही हमें फेशियल पावर मास्क अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये O3 प्लस का फेशियल पावर मास्क पाउडर 20-30 है। ये सिंगल यूज़ पैक है। इसमें मेंशन किया है कि इसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड विटामिन से बनाया हुआ है। ये फेशियल पावर मास्क पाउडर 20-30 है। इसे आप बाउल में पूरा निकाल लीजिए। अब आपको लेना है स्टेप 7 यानी फेशियल पावर मास्क जेल 20-30। ये भी सिंगल यूज़ है तो आप इसे भी पूरा निकाल लीजिए। स्टेप 6 और 7 यानी फेशियल पावर मास्क पाउडर 20-30, फेशियल पावर मास्क जेल 20-30 दोनों को अच्छे से मिक्स करें। ये मास्क बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि मास्क ज़्यादा पतला ना हो जाए। इस मास्क को अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद तुरंत फेस पर अप्लाई करना है क्योंकि ये रबर मास्क है। अगर आपने इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो ये पत्थर जैसा बन जाता है। फिर इसे फेस पर अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये फेशियल पावर मास्क ऑल स्किन टाइप है लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप अपने क्लाइंट के आँखों पर इस मास्क को अप्लाई ना करें। हाँ, अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसे आइस पर यानी आँखों पर भी आप इस फेशियल मास्क को अप्लाई कर सकते हो। इस फेशियल मास्क को आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है, आइस पर भी अप्लाई करना है अगर आपकी या आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव ना हो तो। फ्रेंड्स, इसे आपको स्पैचुला की हेल्प से ही अप्लाई करना है। इस फेशियल मास्क को आप पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए और इसे 10-15 मिनट तक फेस पर रहने देना है। 10-15 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये पिलो मास्क की तरह पूरा निकल के आ जाएगा और ये आसानी से फेस पर से रिमूव हो जाता है। पूरा फेस मास्क निकल कर आ जाता है। आप इस फेस मास्क को नीचे से खींचकर ऊपर की तरफ लाओगे तो ये पूरा निकल के आ जाएगा। फेस मास्क को अच्छे से रिमूव कीजिए, कोई पार्टिकल्स रहना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट की स्किन कितनी अच्छी लग रही है। ये फेशियल मैंने घर पर किया है क्योंकि मेरी क्लाइंट रात को 8 बजे फेशियल करवाने आई थी। क्योंकि अगर आप जब रात को फेशियल करते हो या करवाते हो तो इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का 8वां स्टेप है अर्बुटिन जेल सीरम। अर्बुटिन सीरम को पूरे फेस पर अप्लाई करें और 3 से 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। ये अर्बुटिन जेल सीरम है और अर्बुटिन स्किन को गहराई से वाइटनिंग करने में हेल्प करता है। अर्बुटिन जेल सीरम को आपको रिमूव नहीं करना है, वो स्किन पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको लेना है 9वां स्टेप O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का अर्बुटिन पाउडर मास्क। अर्बुटिन पाउडर मास्क को एक बाउल में पूरा निकाल लीजिए। अब अर्बुटिन पाउडर मास्क को आपको पानी या टोनर मिलाकर पेस्ट बनाए। पेस्ट आपको ऐसा बनाना है जैसे ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा मोटा भी ना हो। मैंने जो पेस्ट बनाया है वो आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट बनाना है। अब आपको अर्बुटिन मास्क को स्पैचुला की हेल्प से फेस पर अप्लाई करना है। ये अर्बुटिन पाउडर मास्क है, ये भी आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है यानी आपको इसे आइस पर भी अप्लाई करना है। जो कि मेरे क्लाइंट की जो स्किन है वो सेंसिटिव है, इसके लिए मैं आइस पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही 15-20 मिनट में ड्राई हो जाता है।
ये अर्बुटिन पाउडर मास्क है, जिसे आप रबर मास्क भी कह सकते हो। अर्बुटिन पाउडर मास्क को अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। 15-20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये अर्बुटिन पाउडर मास्क है जो ऑटोमेटिक 15-20 मिनट में ड्राई हो गया है। अब आपको इसे आराम से रिमूव कर लेना है। ये पिलो मास्क है तो ये आराम से रिमूव हो जाएगा, तो इसे भी रिमूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अर्बुटिन फेस मास्क को रिमूव करते वक्त किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है एंड आप रिजल्ट भी देख सकते हो। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट का 10वां स्टेप है वाइटनिंग क्रीम SPF 30। फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेप है। वाइटनिंग क्रीम SPF 30 को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है और आप अपने क्लाइंट को बताएं कि 2 दिन तक आपको अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई करना नहीं है। अगर आप चाहो तो आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर सकते हो। मेरे क्लाइंट का फेस आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।